सो आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो ब्लॉग है ना बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज का जो ब्लॉग है वो इरफान भाई के साथ होने वाला है। एंड मैं भी जहाँ पर हूँ उसका नाम है बीकेसी सिटी पार्क, एंड मैं ऐसे यहाँ पर घूमने आया था एंड मुझे इरफान भाई दिख गए। एंड उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनके जो गुंडे वाले वीडियो होते हैं ना मेरे को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड आपको भी पसंद आते होंगे क्या, आते ही होंगे। और मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल ये रहा था कि उनके ऐसा ना मेरे को शायद कोई टिकटॉक में दिखा, इतना खतरनाक एंड मतलब वीडियो में इतना खतरनाक, उनकी स्टोरी टाइप जो वीडियो आती है ना टिकटॉक पे, अमेजिंग, सो अमेजिंग। एंड मैं अभी सिटी पार्क में हूँ और इरफान भाई वहाँ पर ही बैठे, तभी वो कुछ खा पी रहे हैं एंड टिकटॉक वीडियोज़ बना रहे, तो उनका बिहाइंड द सीन्स लेता हूँ और उसके बाद उनके साथ एक ब्लॉग शूट करता हूँ। वहाँ पर बैठे इरफान भाई दिखे वो लड़की के पीछे, उनके साथ ही टिकटॉक बना रहे उनका फ्रेंड। एंड इरफान भाई वहाँ पर ही बैठे हैं एंड बिहाइंड द सीन्स देख लो, अभी फ़ोन पे ऐसे बात कर रहे हैं। एंड अभी उन्होंने टिकटॉक वीडियो बनाया, मैंने वो शूट किया, वो भी डाल दूंगा, आप देख लेना। और अभी उनके साथ ब्लॉग शूट करने का टाइम हो रहा था, यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं एंड देखते हैं ब्लॉग शूट होता है कि नहीं होता है। साथ ब्लॉग शूट करने के पहले मैं आपको एक बार ये बीकेसी सिटी पार्क फिक्स से दिखा देता हूँ। एंड मैंने इसका वीडियो दिखा बनाया भी है एक्चुअली, उसका एड्रेस भी दिया हूँ। एंड आपको अगर नहीं मालूम तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना, ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, तो आप देख लेना एंड पूरा बीकेसी सिटी पार्क एक बार देख लेते, और उसके बाद उनके साथ ब्लॉग शूट करते। इरफान भाई, तो सबसे पहले आप ये बताओ आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। और इरफान भाई, मतलब बहुत सारे लोग का ना क्वेश्चन आते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर आपकी शादी हो चुकी है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मेरी वाइफ है, और मेरी शादी आज से 12 साल पहले हो चुकी है, 3 बच्चे भी है। बहुत लोग को मतलब कन्फ्यूजन थी, मतलब मालूम नहीं था, बहुत सारे लड़कियों के DM आ रहे थे मेरे को, मेरे YouTube पे मैंने मतलब कम्युनिटी टाइप होता है ना उसमें पोस्ट किया था कि आपके साथ ब्लॉग बनाओ कि नहीं बनाओ, तो उसमें मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए थे लड़कियों के, शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड। मैं मैरिड हूँ, तो सबसे पहला टैग वो हटा देता हूँ अनमैरिड का, मैं मैरिड हूँ और हैप्पी लाइफ में। और बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे में, भूल चुका हो मतलब भूल गया, आपको जो जब देखा ना मैंने तो बहुत अंदर से खुशी हुई, मतलब लगा नहीं कि आप मेरे साथ ब्लॉग बनाओगे कि नहीं बनाओगे, आपको मतलब इतना टाइम नहीं होगा ब्लॉग बनाने के लिए। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, तुम साथ में हो, सब लोग है, और टाइम की बात क्या है, 5-10 मिनट की बात है, इसमें कौन से कोई मैं बड़ा काम नहीं समझा, नोट गिनता बैठा थोड़ी ना हूँ मैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। प्रण भाई, मतलब आप जैसे टिकटॉक में वीडियो बनाते हो ना, बहुत खतरनाक वीडियो बनाते हो, पर आप रियल में बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हो। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि बहुत लोग मुझे यही बोलते हैं कि ज़्यादा विलन एक्टिंग करो और इमोशनल कॉन्सेप्ट लाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ज़्यादा करना होता है कॉमेडी, और वो मेरी चलती नहीं है। नहीं आप मतलब आपका जो लुक है ना वो खतरनाक लुक है, तो आपके ऊपर ना खतरनाक की वीडियो बहुत अच्छी लगती है एंड बहुत ज़्यादा समझ रहे हो आप। मेरे व्यूवर्स के डिमांड भी यही है कि ज़्यादातर खतरनाक एक्शन मूवी करूँ, एक्शन टाइप वीडियो करूँ, मूवी नहीं सॉरी वीडियो करूँ, लेकिन बहुत लोग उसमें अप्रिशिएट भी करते हैं और वो वीडियो बहुत सी वायरल भी होती है मेरी, तो व्यूवर्स की जो डिमांड से वही करता हूँ मैं। सर आप मेरे को सब्सक्राइबर कुछ बोलना चाहोगे सर? तो तुम्हारा सब्सक्राइब करना हम क्या यूट्यूब का MS ब्लॉग है MS ब्लॉग
तो भाई ये हमारे साथ में है MS ब्लॉक, और बहुत ही देर से वो वेट कर रहे थे, हम खाना खा रहे थे। और थैंक यू सो मच, आपने इतना देर वेट किया। थैंक यू सर, सॉरी उस बात के लिए, ना ब्लॉक की बात नहीं हो तो हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉरी उस बात के लिए कि आपने मेरा इतना वेट किया। और YouTube में इनका सब्सक्राइब चैनल है, क्या नाम बोला? MS ब्लॉग है। MS ब्लॉग, तो प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेचारे को भी थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा वायरल कर दो यार। थैंक यू सर, थैंक यू आप मेरा। इफरान भाई, यार इफरान भाई तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे निकले, मतलब वो वीडियो में जैसे रियल में वैसे बिल्कुल नहीं है, रियल में बहुत अच्छे हैं। एंड उन्होंने जैसे बताया कि उनके ऊपर मतलब वो आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाते हैं वांटेड वाले, मैंने जैसे कि उनको पूछा हुआ है वो एक्चुअली कौन सा वीडियो बना, कॉमेडी वाला बनाना चाहते पर वो वांटेड वाला वीडियो बनाते बिकॉज क्योंकि आप लोगों को उनका वो लुक के ऊपर वो वीडियो अच्छी लगती है इसके लिए। एंड आपको वीडियो कैसे लगे मेरे को कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जैसे कि उन्होंने भी बोला। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सी यू, टाटा बाय बाय।